वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। सो गाइस, उत्तर प्रदेश की तरफ से चकबंदी लेखपाल के लिए भर्ती आ चुकी है 2019 की, और इसमें सभी स्टेट्स के कैंडिडेट्स जो 12वीं पास वो आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो कल से 6 मार्च से चालू हो चुका है, और जो आप लोग ऑनलाइन शुल्क जमा कराएंगे वो भी कल से चालू हो चुका है। और इसके अलावा जो अंतिम तिथि है वो 5 अप्रैल होने वाली है, और साथ में अगर फॉर्म अप्लाई करते टाइम कुछ गलतियां हो जाती तो उसको सुधारने के लिए आपको एक चांस दिया जाएगा, और उसकी जो तिथि है अंतिम वो 12 अप्रैल होने वाली है। तो 12 अप्रैल से पहले अगर कुछ गलतियाँ हो जाती तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, नंबर फर्स्ट पॉइंट पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या होने वाली है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये तो आप लोग अगर जाते हैं, अगर आपको खुद से अप्लाई करना है तो आप लोग कमेंट करिएगा, और अगर आप लोग कहीं पे अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर फ़ोटो वगैरह की बात की गई है, तो इसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। मैं जरूरी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ, जैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बाकी आवेदन शुल्क आपको बता देता हूँ, जो कि सामान्य वर्ग के हैं उनके लिए 160 रुपये, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये। इस प्रकार से टोटल 185 हो जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 185, अनुसूचित जाति के लिए 95, और अनुसूचित जनजाति के लिए 95 ही है, और विकलांग के लिए केवल 25 रुपये रखा गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके अलावा फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है आप लोगों को, यहाँ पे बताया गया है। और उसके अलावा यहाँ पे बात करी गई है, नीचे जाने पर आपका जो सारणी है, यानी कि आपका जो विभाग का नेम है वो चकबंदी आयुक्त होने वाला है, और पद नेम जो है तो चकबंदी लेखपाल का रहेगा, और जो वेतन है आपका 21,700 मिनिमम स्टार्ट होगा, 69,100 रुपये तक जाएगा, साथ में अलग से आपको 2,000 रुपये का ग्रेड पे भी मिलने वाला है। बाकी आपकी एज जो है तो 18 से 40 साल बोली गई है, और इसमें आपको छूट भी मिलेगी, तो OBC के लिए 3 साल का, और ST/SC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 5 साल का, और इसमें जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 1,002 पोस्टें हैं। और आप लोग यहां पे देख लीजिएगा, टोटल जो है तो 1,364 पोस्टों पर वैकेंसी आई हुई है, और सभी जो पोस्टें हैं स्थायी होने वाली, यानी कि परमानेंट नौकरी है। उसके अलावा आपका यहाँ पर कुछ छूट भी है, आप लोग देख सकते हैं, उसकी बात की गई है। और उसके अलावा यहाँ पे टिप्पणी, आपको जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त अन्य परीक्षा, यानी कि आप लोग किसी भी सरकार से मान्यता प्राप्त जो परीक्षा है, अगर 12वीं पास हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आयु सीमा के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, एज। और उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे जाने पर आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जो है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। नीचे आने पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने एक फॉर्म ओपन है जो कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए है, इसको आप लोगों को फिल करना होगा, और इसको फिल करके अपने पास रखिएगा, उसको आपको सेंड करना होगा। यहाँ पर देखिए पद का नाम, जिससे आपका जिससे भी सिग्नेचर यहाँ पे लेना होगा, और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि विकलांगों के लिए ये प्रमाण पत्र भर के इनको देना होगा, तो आप लोगों को जो है तो इन सभी फॉर्म को निकलवा लेना, प्रिंट आउट अपने अपने जो है तो ज़रूरत के हिसाब से। खिलाड़ी वगैरह यहाँ पे खेल कूद में भाग लिए हुए हैं तो अगर आपके पास प्रमाण पत्र उसका लगाइएगा, क्योंकि उसके बाद आपको जो है तो बहुत सारी छूट भी मिलेंगी। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, ऑनलाइन नहीं बन रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं बताऊं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कल मैं एक ऑनलाइन आवेदन का वीडियो बना दूंगा। और अगर इसमें कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।